नमस्कार, ये तस्वीरें आपको सुंदरान मोहल्ले की दिखाई जा रही हैं, जहां सुरभि गर्ग का आज जो विशेष सम्मान समारोह किया गया और सुरभि गर्ग को लड्डुओं से तोड़ा गया है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं सुंदरान मोहल्ला के जो निवासी हैं वो अपना रिस्पॉन्स दे रहे हैं और मौके पर जो सुरेश गर्ग नोच हैं वो भी पहुँचे हैं। तो आइए पूरी जानकारी के लिए बातचीत कर लेते हैं सुरभि गर्ग से और उनके ससुर सुरेश गर्ग जी हैं उनसे। राजनीति में पहली बार डायरेक्ट चुनाव हो रहा है, पहला डायरेक्ट चुनाव है ये कैथल का। पहले तो एमसी बनाते थे चेयरमैन और उसमें रोज कुश्ती लड़ाई रहती थी उनकी, भाई उधर कभी उधर उसने दो वोट तोड़ लिए, एमसी तोड़ लिए, कभी उन्होंने चार तोड़ लिए, खरीद फरोख्त चलती थी। हम भी कई बार एमसीओं को बस में बैठा बैठा करके 17-18 एमसीओं को नैनीताल ले गए, आगे दूर दूर पहाड़ों पर घुमा के लाते थे, उनकी सेवा करते थे खूब और उनको 10-12 दिन बाद लाते थे। और वो 17 एमसीओ में ले गए और जब वोट में लग रहे थे 14, उनमें तो 3 वोट खत्म हो जाते। तो अब ये पहला डायरेक्ट चुनाव हो रहा है, ये माननीय मनोहर लाल जी ने आप लोगों को सौगात दी है। एक सौगात तो ये भी है कि आम जनता को अब वोट डाल करके सीधे चेयरमैन चुनने का अधिकार दिया गया है। ये स्थिति आप जनता के द्वारा वोट से चेयरमैन बनेगी और आपकी चौकीदारी करेंगे। और दूसरा सौगात ये है, ये सौगात नारी शक्ति में मिली है कि वे महिला की रिजर्व सीट है और ये महिलाओं के भरोसे के मनोरंजन दिन है वो महिला। मैडम, किस तरह जनसंपर्क अभियान चल रहा है? आप तो देख ही रहे होंगे, अब भी आप मुझसे पूछ रहे हैं, जनता से पूछिए कितना जोश कितना उत्साह है इनके अंदर। आप लोगों को मुझे लग रहा है मैं कितना हल्का महसूस कर रहा हूँ, कोई थकान चुनाव की मेरे ऊपर भारी नजर नहीं आ रही है और इतना आशीर्वाद मिल रहा है चारों तरफ से। आप ये ना देखिए भाई, ये मोहल्ला कोई मतलब एक हमारे बरादरी का है, यहाँ इसलिए मिल रहा है। आप लोग किसी भी 36 बरादरी में किसी भी कोने में किसी भी वार्ड में जा करके आप ये देख सकते हो कि एक तरफा समर्थन है जी। मुझे तो कोई मुकाबला नजर नहीं आ रहा जी। यहाँ जैसे ना सर्वसम्मति जैसा माहौल मुझे बनता नजर आ रहा है जी। भाई यूमन बना लिया, भाई सर्वसम्मति से बना दो जी। सुरेश जी, सुरजेवाला साहब ने कहा जो 5 करोड़ अब लगाएगा वो 50 करोड़ कमाएगा। देखिए सुरजेवाला जी, 5 करोड़ लगाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। चुनाव आयोग ने जितनी सीमा निर्धारित की हुई है उस सीमा से हमारा 1,50,000 रुपये कम खर्च होगा जी। ऐसा चुनाव है कहीं भी किसी भी तरह का कोई ये लोग समझ रहे हैं कैथल के लोग? इस बार हमें अपने लिए वोट डालने का मौका मिला है जी। हम पहले इन बाहर के लोगों को वोट डालते थे और उनसे फिर बाद में अपने मतलब प्रेशर और दबाव और दहशत का माहौल यहाँ बनवाते थे और फिर हमें पछताना पड़ता था। पहली बार हम अपनी वोट का सही इस्तेमाल करने का हमें मौका मिला है, लोगों में बड़ा उत्साह है जी। आप खुद पता कर सकते हैं जी। तो सुरजेवाला साहब के आने से क्या चुनाव जो माहौल बदलेगा कल? ना, बैठ गया सुरजेवाला के आने से बैठ गया और माहौल देख करके वो चला भी गया है या उसने देख लिया समीक्षा करके वो चला गया है। बल्कि मैं तो कहते हैं पवन थ्रेजा तो बेचारा शरीफ आदमी था, इसने तो कहीं मिल भी जाती 2-4 हज़ार पर्ची, सुरजेवाला की इस पर बदमाशी के लेवल और लग गया। पवन थ्रेजा को शराफत की वोट मिलती ना जो जी। वो सुरजेवाला की मतलब जो स्टैंप है ना इसके ऊपर लोगों पे दबाव बनाने की दहशत बनाने की, उस स्टैंप से इसकी वोट और कट गई।